कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली। आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर वन ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं हम दैनिक राशिफल की, तो शुरुआत करते हैं पंचांग के साथ। माघ माह में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, जो शाम को 6:33 तक रहेगा। शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त की बात करें, शुभ समय में किसी भी नए काम की शुरुआत करते हैं। हर बार आपको यही बताते हैं कि शुभ समय में आप किसी भी अच्छे काम की शुरुआत कर सकते हैं, तो आज वो शुभ टाइम रहेगा 12:13 से दिन के 12:57 तक। राहु काल यानी अशुभ समय की बात की जाए तो वो है 11:13 से दोपहर के 12:35 तक। इस समय में कोई भी शुभ कार्य आप भूल कर भी ना करें। दिशा शूल आज पश्चिम दिशा में है, यानी वेस्ट डायरेक्शन में, तो यदि आप उस दिशा में कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो ना करें। और कोई भी अच्छा काम यदि आप आज करते हैं, शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं, नए कार्य की शुरुआत करते हैं, तो इस दिशा की तरफ मुख ना रखें, यानी पश्चिम की तरफ आज आपको मुख रखकर कोई भी अच्छा कार्य नहीं करना है। ये जानकारी हमने आपको दी पंचांग के रिलेटेड। आज कोई भी जो है तीज त्यौहार की बात करें तो कोई भी वैसा कोई त्यौहार नहीं है, व्रत आदि नहीं है, इसलिए हम आपको इसकी जानकारी नहीं दे रहे हैं। सीधे चलते हैं आपकी राशिफल पे, और आपका ये जो राशिफल बताएंगे आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगा। चंद्र राशि अगर आपको नहीं पता है, जैसे बहुत लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि उनको उनकी मून साइन नहीं पता, चंद्र राशि नहीं पता, तो आप हमारे वेबसाइट www.astrosage.com पर विजिट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे मोबाइल ऐप एस्ट्रोसेज कुंडली को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। दोनों जगहों पर जाकर आप अपनी चंद्र राशि पता कर सकते हैं बिना किसी पैसे का भुगतान किए हुए। चलिए शुरुआत करते हैं मेष के साथ और जानते हैं कि एरीज वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। ध्यान और आत्मचिंतन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है, तो इसीलिए सेहत को अच्छा रखना चाहते हैं तो ध्यान आदि किया करें, मानसिक शांति भी मिलती है इससे। इस राशि के जो लोग विदेशों से व्यापार करते हैं, जो बिजनेसमैन लोग हैं, उन्हें आज बहुत अच्छा खासा धन लाभ हो सकता है। किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ से मिली जो है आकस्मिक खबर आपके पूरे परिवार के लिए खुशी के लम्हे लेकर आने वाली है, तो तैयार हो जाइए, गुड न्यूज मिलने वाला है फैमिली में, इसकी वजह से खुशियां आएंगी। आपको चिंता करने की आज कोई भी जरूरत नहीं है, आपका जो दुख है वो बर्फ की तरह पिघल जाएगा, लोग आपके साथ होंगे, आपको आपके पास बहुत सारे आइडियाज होंगे किस तरीके से आपको अपनी परेशानियों से निकलना है, लोग भावनात्मक तौर पर भी आज आपसे जुड़ेंगे। काम में धीमी प्रगति हल्का सा आपको मानसिक तनाव दे सकती है, आज आप नए विचारों से भी परिपूर्ण रहेंगे और जिन कामों को ऑफिस में करने के लिए चुनेंगे वे आपको उम्मीद से ज्यादा ही फायदा देंगे। मैरिड लाइफ की बात करें तो आपने वैवाहिक जीवन की सारी खराब यादें भूल जाएं और आज का भरपूर लुत्फ लें, यही आपके लिए अच्छा है। पुराने समय में हुए झगड़े लड़ाई कुछ बातें अगर बुरी लग गई हैं तो उसको दिमाग से निकालें, दिल से निकालें और आज से एक नई शुरुआत करें, तभी इस दिन को आप अपने लिए अच्छा बना सकते हैं। जो प्रेमी जातक हैं आज एक दूसरे से गिफ्ट एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी कुछ छोटा बहुत अगर जितना आप सक्षम हैं आप अपने प्रेमी को उपहार देकर देखें, आज का दिन और भी बेहतरीन बन जाएगा और आने वाला समय भी इससे आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। जो छात्र हैं उनके लिए दिन सामान्य है, कमर कस के परीक्षा की तैयारी के लिए जुट जाएं जो भी आपके एग्जाम्स आ रहे हैं। वहीं जो गृहिणियां हैं आज जरा सा वाणी पर आपने लगाम लगाना है आपको। चलिए उपाय जान लेते हैं। उपाय के तौर पर आज के दिन जो है आपको कोई भी चांदी के कोई जो है आभूषण अपने शरीर पर धारण करना है, छोटा बड़ा कुछ भी आप चांदी का पहन लें। शुभ अंक है 5 और शुभ रंग है हरा और फिरोजी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है वृषभ राशि की। ऊर्जा के अपने उच्च स्तर को आज अच्छे कामों में लगाएं, यानी आज आप बहुत ज्यादा ही अंदर से स्ट्रांग फील करेंगे, आपकी तबीयत ठीक रहेगी। इस अपनी जो है अच्छी सेहत का अपने काम में अगर आप इसको लगाते हैं, अपनी अच्छी सेहत का अपनी एनर्जी को अगर किसी अच्छे काम में लगाते हैं तो आज आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। आज धन लाभ होने की संभावना तो बन रही है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अपने गुस्सैल स्वभाव के कारण आप पैसा कमाने में सक्षम ना हो पाए, तो गुस्से पर कंट्रोल करना है अगर आर्थिक लाभ चाहते हैं तो। अपने जीवन साथी के साथ बेहतर समझ जिंदगी में खुशी सुकून और समृद्धि लाएगी और आप और आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आप दोनों आज बहुत ज्यादा क्लोज आएंगे। जो प्यार में है, जो प्रेमी जातक है, अनअपेक्षित रोमांटिक आकर्षण की आज आपके जीवन में संभावना है। काम और घर पर दबाव जो है आज आपको गुस्सैल बनाएगा, यानी आज आपका मूड जो है वो पल पल में बदलता रहेगा, कभी नॉर्मल हो जाएगा कभी गुस्से में आ जाएंगे, तो आज ऐसे आपको मूड स्विंग्स देखने को मिलेंगे। आज आप बिना किसी वजह से कुछ लोगों के साथ उलझ सकते हैं, ऐसा करना आपकी मूड को तो खराब करेगा ही, साथ ही इससे आपका कीमती समय भी बर्बाद होगा, तो चाहे आप व्यापार करते हो चाहे आप जॉब करते हो आज लोगों से बहस करने से बचना है।
आज का दिन जो है शादीशुदा की जी जिंदगी के सबसे खास दिनों में से एक रहने वाला है। गृहिणियों को पति की तरफ से ढेर सारा प्यार सम्मान मिलने वाला है। जो छात्र हैं, माता पिता के आक्रोश का आज आप शिकार हो सकते हैं, तो जरा बचकर चलें। आज उपाय के तौर पर आटे के पेड़े में गुड़ रखकर गाय को खिला दें। शुभ अंक है 4 और शुभ रंग है भूरा और सलेटी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करेंगे हम मिथुन राशि की। जिंदगी की ओर उदास नजरिया रखने से बचे। जितना आप नेगेटिव रहेंगे आपकी तबीयत उतनी ही खराब होगी। आपकी सोच, आप अगर मानसिक एक बार अगर आप मानसिक तौर पर थक जाते हैं तो शरीर को थकने में ज्यादा समय नहीं लगता। इसीलिए खुश रहें, पॉजिटिव रहें, अपनी जिंदगी का जो अपने नजरिया बना रखा है अपनी जिंदगी को लेकर, इसको बदलने की कोशिश करें। माली सुधार की वजह से आज जरूरी खरीदारी करना आसान रहेगा। बात समझ गए होंगे कि आर्थिक जीवन आज आपका सही रहने वाला है और आप कुछ शॉपिंग आदि पर भी आज खर्च कर सकते हैं। करीबी दोस्त और साझेदार नाराज होकर आपकी जिंदगी मुश्किल आज बना सकते हैं, तो लोगों से उलझने से आपको भी बचना है। सिर्फ स्पष्ट समझ के माध्यम से आप अपने पति या पत्नी को भावनात्मक सहारा दे सकते हैं। तो जो मैरिड लोग हैं, आज अपने विचारों में, अपने थॉट्स में एकदम क्लैरिटी रखें। नए विचार आपके लिए फायदेमंद होंगे। चाहे आप जो अगर जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो अपने आइडियाज को आज इंप्लीमेंट करने के लिए सही दिन है। शुभ मुहूर्त देखकर इंप्लीमेंट कर लें। आज आपको महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान लगाने की जरूरत है। वहीं जीवन साथी से आपको पूरा सहयोग नहीं मिलेगा, तो इस राशि की गृहिणियां आज निराश हो सकती हैं इस बात को लेकर। जो छात्र हैं, आज आपके लिए दिन अच्छा है। आज किसी सेमिनार या प्रदर्शन आदि को अटेंड करने का आपको मौका मिल सकता है। उपाय जान लेते हैं। उपाय के तौर पर आपको सलाह देंगे कि हनुमान जी को आज गुड़ चने का प्रसाद चढ़ा दें। शुभ अंक है 2 और शुभ रंग है सिल्वर और सफेद। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करेंगे हम कर्क राशि की। दिन की शुरुआत आज आप करें योग और ध्यान से। ये बात आप मान लें, ऐसा करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा और सारे दिन आप में ऊर्जा रहेगी। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो पूरे दिन जो है उबासियां लेते रह जाएंगे, आपके में थकान की अधिकता देखी जाएगी। तो इसीलिए कोशिश करें दिन की शुरुआत थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी से, योग ध्यान से करें। पैसों की बात करते हैं तो आर्थिक तौर पर बेहतरी के चलते आज आपके लिए जो है बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। चाहे जो आपके पेंडिंग लिस्ट है, जो आप खरीदारी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। यानी पैसा आज आपके जेब में रहेगा, लेकिन सोच समझकर खर्च करें, ये आपके लिए एक सलाह है। आपका अड़ियल रवैया आज घर पर लोगों के दिलों को चोट पहुंचा सकता है। यहाँ तक कि नजदीकी दोस्त भी आहत हो सकते हैं, तो पारिवारिक जीवन में थोड़ा संभल कर चलना है। गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ अभद्र व्यवहार बिल्कुल भी आज ना करें प्रेमी जातक, नहीं तो रिश्ता टूट सकता है और आपकी गलत छवि आपके जो है प्रियतम की नजर में बन सकती है। तो इसीलिए थोड़ा समझ के ही, बूझ के ही बोले आप। कामकाज के मोर्चे पर आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है। खाली समय जो मिलता है उसका सदुपयोग करना चाहिए, लेकिन आज आप इस समय का दुरुपयोग करेंगे और इस वजह से आपका मूड आप खुद ही खराब कर लेंगे। तो आपको पहले से ही हमने हिंट दे दिया है, वो काम करें जो खाली समय मिलता है जिसमें आप अच्छे हैं। यानी अगर डांसिंग करना चाहते हैं, सिंगिंग करना चाहते हैं, राइटिंग करना चाहते हैं, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट करना चाहते हैं, तो खाली समय का उपयोग जो है किसी अच्छी चीज में अगर आप अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हैं तो आपका मूड भी अच्छा रहेगा और आपको कुछ जानने सीखने को भी मिलेगा। जीवन साथी के खराब व्यवहार का नकारात्मक असर आज इस राशि की गृहिणियों पर पड़ सकता है। यानी आज पार्टनर का मूड खराब होगा और भुगतेंगे इस राशि की गृहिणियां। लेकिन आप कोशिश करें, अगर आप भी गुस्सा करेंगी तो लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है। तो आज कोशिश करें उनको जितना आप इग्नोर कर सकती हैं उनकी बातों को, उनके कड़वे शब्दों को, उतना आपके लिए बेहतर होगा। छात्रों के लिए आज दिन अच्छा है। आज बड़े भाई बहनों से आपको कुछ नया सीखने जानने को मिल सकता है। उपाय पर चलते हैं। उपाय क्या करना है कर्क वालों को, तो आज रेमेडी यह है कि घर में रखी हुई जो भी फटी हुई पुस्तक है या जो भी खराब चीजें हैं उसको आज ही दुरुस्त करा लें। शुभ अंक है 5 और शुभ रंग है हरा और फिरोजी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी है सिंह राशि की, यानी लियो साइन की। आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और प्रगति निश्चित है। यानी आज आप तरक्की करने वाले हैं। आपकी हेल्थ भी आपका साथ देगी, दिमाग भी आपका सही रहेगा। अब बारी है जो लोग बिजनेस करते हैं या शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, उनके लिए आज एक खास बात, आज आपका पैसा डूब सकता है। वक्त रहते सचेत हो जाएं तो आपके लिए बेहतर होगा, नहीं तो आपकी जमा पूंजी जो है, आपकी मेहनत की जो कमाई है वो वेस्ट हो सकती है। फैमिली में माता पिता को खुश करने में आज कठिनाई महसूस करेंगे। हो सकता है उनका मूड जो है वो बदला हुआ रहे और वो आपसे खुश ना रह सके। उन्हें समझने और उनके नजरिए से चीजों को देखने की कोशिश करें। आपको
पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। उन्हें आपकी परवाह, स्नेह और समय की आवश्यकता है। और माता पिता को चाहिए भी क्या होता है अपने बच्चों से, उन्हें बस थोड़ा सा समय चाहिए होता है, प्यार चाहिए होता है। तो आप अगर वो देते हैं तो वो आपसे कनेक्ट हो पाएंगे, वो ये समझेंगे कि उन्होंने आपकी सही परवरिश की है और आज जब उन्हें आपकी ज़रूरत है आप उनके साथ खड़े हैं। तो माता पिता को कभी भी इग्नोर ना किया करें इस राशि की। तो खासकर अगर आप एक भी बात अपने माता पिता को गलत कहते हैं, उनका दिल दुखाने की सजा आपकी पूरी जिंदगी हो सकती है। तो इसीलिए माता पिता की इस राशि के जातक तो कोई भी नहीं, लेकिन इस राशि के जातक को खासकर कह रही हूँ, आज का दिन तो बिल्कुल भी ना करें ऐसा। अब लव लाइफ की बात कर लेते हैं, बहुत सीरियस बातें हो गई। शाम को प्रिया के साथ रोमांटिक मुलाकात और साथ में कहीं लजीज खाना खाने के लिहाज से बढ़िया दिन है, यानी कि लव लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। ऑफिस वाले लोग वो सोच रहे होंगे कि अभी तक उनके बारे में नहीं बताया, तो चीजें आज कार्य क्षेत्र में बेहतर नजर आ रही हैं। पूरे दिन आपका मिजाज बढ़िया रहेगा। जो लोग अब तक किसी काम में व्यस्त थे, आज उन्हें अपने लिए समय मिल सकता है। लेकिन घर में किसी काम के आ जाने से या आप जो है अचानक से आ जाने से आप फिर से व्यस्त हो जाएंगे। आपका जीवन साथी वाकई आपके लिए फरिश्ते की तरह है और आपको आज यह एहसास होगा, यानी इस राशि की गृहिणियों के लिए आज अपने पार्टनर के लिए जो उनके मन में इमेज है वो और भी बढ़ जाएगी, रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा, सम्मान बढ़ जाएगा। जो छात्र हैं आज जरा सा सोच समझ कर चलें, क्योंकि ज्यादा समय अगर आप घर से बाहर बिताते हैं तो माता पिता तो गुस्सा करेंगे, साथ ही आपका जो कीमती समय है ये नष्ट हो जाएगा। तो आज आपको खुद ही आकलन करने की जरूरत है। किसी के डांट फटकार के बाद अगर आप सोचते हैं तो ये चीज आपके लिए सही नहीं होगी। उपाय के तौर पर आज के दिन कोशिश करें किसी ब्राह्मण को कुछ पैसे दान में देने की। शुभ अंक है 4 और शुभ रंग है भूरा और सलेटी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब आ रही है कन्या राशि की। राशि चक्र की 6ठी राशि है कन्या, तो कन्या वाले ध्यान से सुने। आप में आज चुस्ती फुर्ती देखी जा सकती है। हेल्थ आपका पूरी तरीके से साथ देगा। आपको हेल्थ रिलेटेड इस राशि के लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। पैसे की बात करते हैं, आज आप अच्छा पैसा भी कमाएंगे लेकिन खर्चों में इजाफा आपके लिए रहेगा और ये बचत को मुश्किल बना देगा। यानी कि पैसा तो है लेकिन खर्चा भी ज्यादा है, तो आपको क्या करना है, किस तरीके से पैसे को खर्च करना है ये बैलेंस करना है। अगर ये कर लेते हैं तो दिन अच्छा बन जाएगा। आपका ज्ञान और हास परिहास आज चारों ओर के लोगों को प्रभावित करेगा। घर के लोग आपकी बातों से खुश होंगे, आपके मजाक मस्ती से खुश होंगे। आज प्यार की कमी महसूस हो सकती है, यानी लव पार्टनर आज आपको किसी वजह से समय नहीं दे पाएगा। नई परियोजनाओं और खर्चों को आज टाल दें, यही आपके लिए बेहतर है। अगर आप खरीदारी पर जाएं तो जरूरत से ज्यादा जेब ढीली करने से बचें। वहीं अगर आपका जीवन साथी कि उसकी जो है सेहत वो बिगड़ सकती है, उसकी वजह से किसी से मिलने की योजना रद्द हो जाएगी, लेकिन चिंता ना करें, आप साथ में अधिक समय व्यतीत कर सकते हैं और आपके जीवन साथी को आपकी जरूरत है तो उनके साथ खड़े रहें, उनको फील कराएं कि आप ही उनके जो वो जो है सोलमेट वो हैं आप, और वही आप ही उनके सुख दुख में उनके साथ रहेंगे। बाकी छात्रों की बात कर लेते हैं, तो छात्र जो है इस राशि के आज संयमित बोले, अति उत्साह में कुछ भी बोलने से आपको बचना है, नहीं तो कुछ गलत हो जाएगा। उपाय के तौर पर इस राशि के जातकों को आज सुबह और शाम में 11 बार केतु मंत्र का जाप करना है। शुभ अंक है 2 और शुभ रंग है सिल्वर और सफेद। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब आरी है तुला राशि की। तनाव को नजरअंदाज आज बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो मानसिक रूप से आप बहुत ज्यादा ही डिस्टर्ब हो जाएंगे। यह तनाव जो है तंबाकू और शराब की ही तरह खतरनाक महामारी होती है, यानी जो तनाव होती है जो तेजी से पांव पसार रही है। लोगों को आजकल इतने बिजी लाइफ है कि लोगों को अपने लिए समय नहीं, अपनी चीजों के लिए समय नहीं है, सिर्फ पैसा कमाना है, किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, भाग दौड़ बहुत है। इसकी वजह से तनाव बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है, इंसान खुश नहीं रहता, और ये जब खुश नहीं रहता तो हेल्थ अपने आप डाउन चली जाती है। तो ये चीजें आपको समझनी चाहिए कि किस तरीके से आप अपने तनाव को दूर कर सकते हैं। एक सलाह आपको देते हैं, थोड़ा समय हर दिन आप योग किया करें। योग आपकी प्रॉब्लम्स को तो मतलब आपके जो है हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स उसको तो दूर करेगा ही, साथ ही आपको मेंटली भी फिट रखेगा। ये करके देखें लिब्रा वाले, आपको आज के दिन ही इसका रिजल्ट दिख जाएगा। आपके पिता की कोई सलाह आज कार्य क्षेत्र में आपको धन लाभ करा सकती है। वक्त पर आपकी मदद किसी की जिंदगी भी आज बचा सकती है। यह बात आपके परिवार वालों को के ऊपर जो है गर्व करने की वजह देगी और उन्हें प्रेरित करेगी। आपकी आकर्षक छवि मनचाहा परिणाम देगी। आज का दिन समझ बूझ के कदम उठाने का है, इसीलिए अब तक अपने विचार व्यक्त ना करें जब तक आप अपनी सफलता के लिए आश्वस्त ना हो।
आज आप व्यस्त दिनचर्या के बाद भी अपने लिए समय निकाल पाने में समर्थ होंगे और खाली समय में परिवार वालों के साथ गुफ्तगू करेंगे। गृहिणियां जो है आज बच्चों के साथ अपने परिवार के साथ थोड़ी हंसी मजाक छेड़छाड़ करेंगी और ये चीजें आपको अपनी किशोरावस्था के दिनों की याद दिला देगा। उपाय के तौर पर आज के दिन दूध और दही का सेवन जरूर करें। दूध या दही दोनों में से किसी एक चीज का कर सकते हैं। शुभ अंक है 5 और शुभ रंग है हरा और फिरोजी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है वृश्चिक राशि की। जैसे ही आप हालात पर पकड़ बनाने की कोशिश शुरू करेंगे आपकी घबराहट गायब हो जाएगी। जल्दी ही आप पाएंगे कि यह परेशानी उस साबुन के बुलबुले की तरह है जो छूते ही फूट जाता है। तो इसीलिए परेशान होकर किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। कोशिश करें उस परेशानी का जो है आपको किस तरीके से उससे बाहर आना है इस पर काम करने की। आज आपको अपने भाई या बहन की मदद से धन लाभ होने की संभावना है। वक्त पर आपकी मदद किसी की जिंदगी आज बचा सकती है। आज यह बात जो है आपके परिवार वालों को आपके ऊपर गर्व करने की वजह देगी और उन्हें प्रेरित करेगी कि आप भी वो भी अपनी जिंदगी में आपसे सीख कर कुछ अच्छा करें। यात्रा के चलते रूमानी संबंध को बढ़ावा मिलेगा। रचनात्मक कामों से जुड़े लोगों के लिए आज अच्छा दिन है क्योंकि उन्हें वह शोहरत और पहचान मिलेगी जिसकी उन्हें लंबे समय से तलाश थी। दीर्घावधि में कामकाज के सिलसिले में की गई यात्रा फायदेमंद साबित होगी। क्या आप जानते हैं कि आपका जो जीवन साथी है आपके लिए फरिश्ता है? उन पर गौर करें, आपको अपने आप ये बात फील हो जाएगी। उपाय के तौर पर आज के दिन को अगर बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो एक पैसा किसी भी चलते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। शुभ अंक है 6 और शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है धनु राशि की। बेकार के ख्यालों में अपनी ऊर्जा बर्बाद ना करें बल्कि इसे सही दिशा में लगाएं, तभी आप अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं। जीवन साथी के साथ मिलकर आप भविष्य के लिए कोई आर्थिक योजना भी बना सकते हैं आज और उम्मीद है कि यह योजना सफल भी रहेगी। फैमिली की बात करते हैं तो आज आप अपने परिवार के लोगों की सभी बातों से सहमत ना हो ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको उनके तजुर्बे से सीखने की कोशिश करनी चाहिए। हर किसी के पास अपनी अपनी कुछ नॉलेज होती है, अपना ज्ञान होता है, चाहे एक छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो। आपको कोशिश करनी चाहिए हर इंसान से उसके ज्ञान को लेने की, सीखने की, ना कि अपने ज्ञान को हर किसी पर थोपने की। अपने प्रिय से आज कुछ भी तल्ख नहीं कहे, नहीं तो लव लाइफ में खराबी आ सकती है, पछताना पड़ सकता है आपको। जो लोग जॉब करते हैं दफ्तर में अपनी गलती स्वीकार करना आज आपके पक्ष में जाएगा, लेकिन आपको इसे सुधारने के लिए विश्लेषण की जरूरत होगी। आपकी वजह से जिसे नुकसान हुआ हो उससे माफी मांगने की भी जरूरत है। याद रखिए, हर कोई गलती करता है लेकिन केवल बेवकूफ ही उन्हें दोहराते हैं। इसीलिए अगर आप बेवकूफ नहीं बनना चाहते हैं तो अपनी गलतियों से, पहली गलती से दूसरी गलती से सबक लें और कोशिश करें कि तीसरी चौथी टाइम ये चीजें रिपीट ना हो। घर पर मिले किसी पुराने सामान को देखकर आज आप खुश हो सकते हैं और सारा दिन उस सामान को साफ करने में बिता सकते हैं। जो लोग गृहिणियां हैं आज कोई अपनी गलती को जो है आज वो खुद ही रियलाइज करेंगी और पूरे दिन उदासी में गुजारेंगी। उपाय के तौर पर आज के दिन क्या करना है, किसी करीबी से मिलने जा रहे हैं तो मिश्री खाकर और पानी पीकर घर से बाहर निकले। शुभ अंक है 3 और शुभ रंग है केसरिया और पीला। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है मकर राशि की। खुश हो जाएं क्योंकि अच्छा समय आने वाला है और आप स्वयं में अतिरिक्त ऊर्जा का अनुभव करेंगे। जो लोग शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं आज उनका पैसा डूब सकता है। वक्त रहते सचेत हो जाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अपने मेहमानों से खराब बर्ताव ना करें। आपका ऐसा व्यवहार न केवल आपके परिवार को दुखी कर सकता है बल्कि संबंधों में दूरी भी पैदा कर सकता है। याद रखिए, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। आज आपके प्रिय की आंखें आपको वाकई कुछ खास बताएंगी। आज के दिन तब तक कोई वादा ना करें जब तक आप उसे पूरी तरीके से कंप्लीट करने में सक्षम ना हो। कोई रोचक मैगजीन या उपन्यास पढ़ के भी आज के दिन को आप अच्छी तरीके से व्यतीत कर सकते हैं। आज आपको ऐसा अनुभव होगा कि आपके जीवन साथी के द्वारा आपको नीचा दिखाया जा रहा है। जहां तक संभव हो इसे नजरअंदाज करें। उपाय जान लेते हैं। उपाय के तौर पर आज के दिन किसी कुत्ते को दूध पिलाएं। शुभ अंक है 3 और शुभ रंग है केसरिया और पीला। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है कुंभ राशि की। आपका दानशीलता का व्यवहार आज आपके लिए छुपे हुए आशीर्वाद की तरह सिद्ध होगा क्योंकि यह आपको शक, अनास्था और लालच जैसी चीजों से बचाएगा। आपके पिता की कोई सलाह आज कार्य क्षेत्र में आपको लाभ कराएगी। तनाव का दौर आज बरकरार रहेगा लेकिन पारिवारिक सहयोग आपको जरूर मिलेगा। लव लाइफ के लिए दिन अच्छा है। मोहब्बत और रोमांस आपको आज खुशमिजाज रखेंगे। जो लोग जॉब करते हैं आज ऑफिस में अच्छे परिणाम नहीं मिलने वाले हैं आपको, थोड़ा संभल कर चलें। आज कोई खास हो सकता है कि आपके साथ विश्वासघात करें जिसकी वजह से आप दिन भर परेशान रह सकते हैं।
इस राशि के जातक आज के दिन अपने भाई बहनों के साथ घर पर कोई मूवी देख सकते हैं या मैच देख सकते हैं। ऐसा करके आप लोगों के बीच प्यार में इजाफा होगा। जो गृहिणियां हैं, बाकी दिनों की अपेक्षा आज का दिन अच्छा गुजरेगा। उपाय के तौर पर आज के दिन कोशिश करें किसी गरीब को एक समय का भोजन कराएं। शुभ अंक है 1 और शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करेंगे हम मीन राशि के जातकों की। मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते वक्त आपको हिम्मत और मजबूती दिखाने की जरूरत है। सकारात्मक रवैये के माध्यम से आप आसानी से इन बाधाओं को पार कर सकते हैं। आज आप काफी पैसे भी बना सकते हैं, लेकिन इसे अपने हाथों से फिसलने ना दें। एक पारिवारिक आयोजन में आप सभी के ध्यान का केंद्र होंगे। प्यार मोहब्बत के नजरिए से बेहतरीन दिन है। प्यार का मजा चखते रहें। बिना गहराई से या जाने समझे, बिना किसी जो है कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर ना करें। कारोबारी आज कारोबार से ज्यादा अपने परिवार के लोगों के बीच समय बिताना पसंद करेंगे। इससे आपके परिवार में सामंजस्य बनेगा। आज आपको ऐसा अनुभव होगा कि आपके जीवन साथी के द्वारा आपको नीचा दिखाया जा रहा है। जहां तक संभव हो इसे नजरअंदाज करें। उपाय जान लेते हैं। उपाय के तौर पर आपको आज के दिन के लिए सलाह देना चाहेंगे कि आज के दिन धार्मिक विचार रखें, ईश्वर पर आस्था रखें और परोपकार की भावना मन में जगाएं। शुभ अंक है 8 और शुभ रंग है काला और नीला। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि आज का दिन कैसा बीतेगा सभी 12 राशि के जातकों के लिए। बहुत सारी जानकारी आदि हमने आपको बताया, किस तरीके से आपको उपाय करना है, क्या शुभ रंग होगा, शुभ अंक होगा, जिसकी मदद से आप दिन को और भी बेहतरीन बना लेंगे। तो अगर वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि कल की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आज जरूर मिले। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।